हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मोर आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्वेश्चन पे मैं चलता हूं। कह रहा एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन कमी हो जाता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 16,200 रुपये हो तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा और 2 वर्ष पूर्व इस मशीन का मूल्य कितना था। तो पहले निकालेंगे 2 वर्ष बाद। पहला क्या था? 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य। मूल्य तो 10% अवमूल्य मतलब कमी हो रहा, तो 10% का फ्रैक्शन पहले निकाल लेंगे तो हो जाएगा कितना, 1/10। इसका मतलब पहले 10 यूनिट था, उसके बाद में बढ़ के आपका एक कमी हो गया, तो आप कमी हो गया, एक की कमी होगी तो 9 हो गया। तो पहले आपका 10 था और घट कर कितना हो गया, 9। तो ऐसे 2 वर्ष के लिए हो जाएगा, तो 2 बार लिख लेंगे और दोनों का गुणा कर देंगे, दोनों का गुणा कर देंगे। अब ये आपका इनिशियल वैल्यू है और ये आपको जो निकालना है, ये निकालना है, तो 9 9 81 और ये 10 10 100। अब देखिए आपका रुपया क्या है, वर्तमान मूल्य क्या है, 16,200। इसका मतलब ये 16,200 है। अब इसमें कितने का गुणा कर दें कि 16,200 हो जाए, तो इसमें क्या करेंगे, 162 का गुणा कर देंगे और ऐसे इधर भी कर देंगे 162 का गुणा कर देंगे। तो ये गुणा करने के बाद आ जाएगा 16,200। अब इसमें भी इसे गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद आएगा 13,122। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा, क्योंकि 10% की कमी हो रहा है इसलिए आपका इतने से कम ही आना है, तो 13,122 रुपया हो जाएगा। अब अगला क्या कह रहा है, ये पहला। दूसरा कह रहा है 2 वर्ष पूर्व इस मशीन का मूल्य बताइए, 2 वर्ष पूर्व इस मशीन का मूल्य। तो आपका वही चीज फिर यहां भी करना है, 10% का फ्रैक्शन 1/10 होगा, तो अवमूल्यन मतलब कमी हो रहा है, तो पहले 10 था अब बढ़ के कम होके 9 हो गया। ऐसे 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 ईयर के लिए निकालना है। अब ये 9 9 81 और ये 10 10 100। तो आपको ये इनिशियल वैल्यू है, ये इनिशियल है, ये फाइनल जो निकालना है। अब यहां से कितने का गुणा कर देंगे कि 16,200 हो जाए, तो ये हो जाएगा 16,200। इसका भी 200 का गुणा कर लेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 20,000। तो इस तरह से आपका हो गया फाइनल। पहले क्या था, 16,200 रुपये था, 200 रुपये था, और बढ़ आपको 10 वर्ष पहले निकालना, कितना, 2 वर्ष पहले निकालना है, तो 20,200 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको निकाल लेंगे। तो दोनों तरह से आपको बता दिया हूँ, 2 क्वेश्चन थे इसमें। इसमें कह रहा था 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, और दूसरा था 2 वर्ष पूर्व इस मशीन का मूल्य क्या होगा। तो 2 वर्ष पूर्व इस मशीन का मूल्य हो गया 20,000 और 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य 13,122 रुपये। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, देखिएगा।
संतरों के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 25 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीदता है। संतरों का वर्तमान मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले निकालेंगे संतरों का वर्तमान मूल्य क्या है। पहला है संतरों का वर्तमान मूल्य। इसका ट्रिक से फार्मूला होता है यक्स बटे 100 गुणे ए बटे बी। अब यहां से देखिएगा, ये आपका यक्स की वैल्यू रहेगी, ये आपका ए वैल्यू रहेगी और ये आपका बी रहेगी। बस इसी पे पुट कर देना है, इसी पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 20 बटे 100 गुणे 25 और बटे 5। तो 20 पंचे 100 और 5 25 और 5 कम 5, तो ये आ गया 1। तो 1 रुपये प्रति संतरा, तो ये हो गया 1 रुपये प्रति संतरा। ये निकाला संतरों का वर्तमान मूल्य कितना है, 1 रुपये में 1 संतरा मिलेगा। अगला कह रहा है प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। दूसरा कह रहा है प्रारंभिक मूल्य, तो इसका फार्मूला होता है यक्स बटे 100 माइनस यक्स गुणे ए बटे बी। बस जहां पर प्रारंभिक मूल्य निकालना हो तो यक्स का ए 100 में से एक्स घटा देना है, तो आपका ये मान हो जाएगा, फिर रख दीजिए यहाँ पर 20 बटे 100 माइनस 20 गुणे 25 बटे 5 हो जाएगा 20 बटे 80 गुणे 25 बटे 4 5 हो जाएगा, 5 से 5 25 हो गया और 20 चौक 80 हो गया, तो ये हो गया 5 बटे 4। तो ये हो जाएगा कितना, 4 कन्नम 4 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो रुपए प्रति संतरा। अब देखिए यह कह रहा है संतरों के मूल्य में 20% की कमी जब हो जाती है तो 25 रुपए में 5 संतरा अधिक खरीदता है। इसका मतलब 1 रुपए में 1 संतरा, तो 5 रुपए में 5 संतरा। ऐसे अब ये कह रहा है प्रारंभिक मूल्य, पहले का मूल्य प्रारंभिक मूल्य क्या था, 1 संतरे का मूल्य था 1 रुपया 25 पैसा, 1 रुपया 25 पैसा में 1 संतरा खरीदा था, और जब 20% की कमी हो गई तो उसने खरीदने के अलग 1 रुपये में 1 संतरा। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपका ट्रिक से फार्मूला है और ये हमेशा हर कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। तो याद रखिए यहाँ 20% जो लिखा उसको x मान लेते हैं और ये 25 रुपया जो लिखा उसको a माने और संतरों की संख्या को b मान लेते हैं। तो फार्मूला होता है वर्तमान मूल्य निकालना है तो x बटे 100 गुणे a बटे b, और प्रारंभिक मूल्य निकालता है x बटे 100 माइनस x गुणे b a बटे b। तो इससे तो इन दोनों से आपको निकल जाएगा, दोनों क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये दो तरह से क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, देखिएगा जिस तरह से आपको समझ में आएगा उसी तरह से सॉल्व करिएगा। किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि की गई है, एक उपभोक्ता उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उस वस्तु पर उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। तो फार्मूला क्या होता है, प्रतिशत कमी क्या होता है, आर गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस आर, ये फार्मूला होता है। इसी पे लगाते हैं तो 60 का हो, तो 60 हो गया गुणे 100 बटे, अब यहां वृद्धि लिखा है तो प्लस का निशान लगाएंगे, अगर कमी लिखा रहेगा तो माइनस निशान लगाएंगे। तो 100, तो यहाँ वृद्धि लिखा हुआ इसलिए प्लस का निशान लगाएंगे, और ये 60 गुणे 100 बटे 160, इसको काट देंगे, 1 0 1 0 ऊपर से नीचे कट जाएगा, इसको और काटेंगे
ये 8 हो गया, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, और फिर ये 4 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 चौक 8 और 30 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 15, तो ये हो जाए 15 × 75 बटे 2, ये आपका हो गया 37.5%। तो कह रहा है इस वस्तु में कितने प्रतिशत की कमी कर दे, तो 37.5% की कमी कर देंगे ताकि उस वस्तु के उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। ये आपको इस तरह से साफ होगा। दूसरा ट्रिक देखिए, दूसरा मेथड क्या है, पहले इसका 60 का फ्रैक्शन निकालेंगे 60% का, तो ये हो जाएगा कितना 3/5, 3/5 हो गया, इसका मतलब पहले 5 था और बढ़कर ये हो गया अब 8, तो ये कितने की वृद्धि हुआ, 3 की वृद्धि हुआ, किस पे, 8 पे हुआ, क्योंकि बाद की वैल्यू निकालना है तो उसका, तो ये हो जाएगा 3/8×100। अब क्या करेंगे, देखिए ये कह रहा है कि पहले 5 था, अब 3 यूनिट के बढ़ गया, तो बढ़ गया किस पे, तो 3 यूनिट 3 ऊपर लिखेंगे, अब जो बढ़ा हुआ है वैल्यू वो कितना हो, 5 से बढ़कर 8 हो गया, तो 8 पे निकाल लेंगे, 8 पे 3 की वृद्धि हुआ तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो इसको काटेंगे 4 × 8 और 4 × 8 और 4 × 5 = 20, तो 25 × 3 = 75 हो जाएगा, 75/2, तो ये हो जाएगा 37.5। तो चाहे इस तरह से सॉल्व कर लेंगे तब भी आ जाएगा, इस तरह से सॉल्व करेंगे तब भी आ जाएगा। ये तो सबसे आसान है, नीचे वाला, ऊपर वाला थोड़ा फार्मूले क्या, 60%, तो पहले 5 था 8 हो गया, तो 8/3 की वृद्धि हुआ, तो आप 75/2 कर देंगे, 37.5 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।